हज़रात, आज की शाम इस मुशायरे में जिन्होंने समा बांध रखा है, अब मैं उन्हें दावत कलाम देने जा रहा हूं। तो मैं मोइन शादाब भाई से बड़े इज़्ज़त और एहतराम से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और हमें अपने कलाम से नवाजें। भाई नूर साहब ने मुझे हुक्म दिया, वरना मैं तो ये चाह रहा था कि कुछ और अच्छे शोरा जो बचे हैं हमारे वो भी अपना कलाम पेश कर लेते। सिर्फ तीन बड़े शोरा, अहम शोरा शफी मशदी साहब, मोहतरमा शबीरा अदीब साहिबा और डॉक्टर नदीम शाह साहब को अपना कलाम पढ़ना है। लेकिन मुझे हुक्म पढ़ना तो मुझे भी था, इसलिए कि अच्छे सामईन तो किस्मत वालों को मिलते हैं, ख़राब सामईन तो बहुत हैं फैले हुए, लेकिन ऐसे मुहज़्ज़ब और तरबियत याफ्ता सामईन क्यों ना हो। काजी अब्दुल वदीद वदूद साहब की सरजमीन, कलीमुद्दीन अहमद साहब का वतन और सुहेल अजीम आबादी, शाज अजीम आबादी, इमदाद असर साहब, किस किस का नाम लिया जाए, कली माजिद साहब, बड़े लोग, जमील मजहरी, तो बहरहाल एक तवील फहरिस्त है। तो दिल सबका चाहता कि अजीमाबाद में पटना में कुछ शेर सुनाए। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, इजाज़त दें सभी हजरात। नदीम शाह को भी सुनना है अभी। देखिए ये शुरू के शोरा होते हैं, जिस तरह हमने कुशल से इस मुशायरे का आगाज़ कराया था, फिर अक्स ने पढ़ा और मित्तल ने पढ़ा, ऐश ने, तो जो शोरा शुरू में अपना कलाम पढ़ते, मैं इनको बहुत अहम मानता हूँ, इसलिए कि बुनियाद का पत्थर होते हैं। जब बुनियादें मजबूत होती हैं तो जाहिर है उस पर बड़ी इमारत तैयार हो सकती है, लेकिन बुनियाद के पत्थर नज़र नहीं आते हैं। और मैं तो अक्सर मैं ये भी कहा करता हूँ, मैंने एक जुमला निकाला था कि जो शुरू के शोरा है ना, ये दरअसल एक रनवे का काम करते हैं। अगर रनवे नहीं होगा तो हवाई जहाज़ कोई उड़ान भर ही नहीं सकता था, अगर ये ना हो तो। मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ जो रनवे बनाता हूँ और बुनियाद के पत्थरों में। यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रोलूं जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रोलूं जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। और अब शेर पेश कर रहा हूं, शायद आपकी समातों को मुतासिर करे, अर्ज करता हूं। और ये पीछे वाला मोहल्ला भी जो है वो अचानक खामोश हो गया, आप भी सुनिए शेर। अर्ज़ करता हूँ कि खुल के रोलूँ जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। और शेर ये है कि उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा ना हो रस्ते में ज़माना मिल जाए। उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा ना हो रस्ते में ज़माना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो रस्ते में ज़माना मिल जाए। एक गज़ल के दो तीन शेर और मुझे याद आ रहे हैं, मतला अल्लाह वालों का है, आप सब अल्लाह वाले ही हैं, तो पढ़ता हूँ। वो लोग जो रातों को जागते हैं, शायर भी रातों को जागता है, यहाँ से मतला सुने। अर्ज़ करें दोस्तों हमारे बुज़ुर्ग तमाम, पेश करता हूँ कि जो निसफ़ शब में निदामत सी होने लगती है, जो निसफ़ शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और अब आपका शेर आ रहा है कि मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और सीक्वल बनाता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। न सिर्फ ये किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक मतला और शेर और देख लें, अर्ज़ करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि आंसू हैं ना आहें, न कोई दुख ना गम है, ये नए जमाने का इश्क है सर, आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। क्या बात है, वाह 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 वाह, औसत से भी कम है, आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर मुलाहजा करें, बहुत शुक्रिया।
अर्ज करता हूँ रदीव बदल गई है, जरा उस पर ध्यान ना दीजिएगा, कभी आप गणित में आ जाएं कि ये तो भाग गया इधर उधर हो गया, तो रदीव बदल जाती है बहुत खामोशी से, हालांकि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने बता दिया ईमानदारी से। आंसू है ना आहे, ना कोई दुख है ना गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। शुक्रिया है, वाह वाह वाह, ये पहली बार ऐसी दाद आई जो वीडियो में चिपकाई जा सकती है, ओरिजिनल। आंसू है ना आहे, ना कोई दुख ना गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। चंद शेर और मैं यहीं से पढ़ने की जसारत करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, महफिलों में भी तन्हा सा लग, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, वाह वाह वाह, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और शेर अब आ रहा है, ताली बजा कर रखिए, अर्ज करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, मुझे यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर, वो महफिलों में भी, वाह वाह, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। एक मतला अर्ज करता हूँ कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, किसी उजाला की आप भी रोशन से गुजर के आ रहे हैं, वाह वाह वाह, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और आपका शेर, बहुत बार आप इस मरहले से गुजरे होंगे, मैं जज्बा आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अर्ज करता हूँ, मैं भी गुजरा हूँ, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर ये है कि हमारे आंसुओं की किस कदर तोहीन की उसने, हमारे आंसुओं की इस कदर तोहीन, महसूस कीजिए कि हमारे आंसुओं की किस कदर तोहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे, वाह 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 वाह, हमारे आंसू, वाह 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 वाह, क्या अच्छा, हमारे आंसू किस कदर तोहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और ये शेर भी पढ़ रहा हूँ अजीमाबाद में, पढ़ता हूँ कि किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और शेर ये है कि निकलते वक्त, जुबैर शेर जी, सुने जी, जी, कि निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस, निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं, वाह 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 वाह, निकलते वक्त, वाह 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 वाह, निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस होता था, वाह वाह वाह, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। बस दो तीन शेर और पढ़ के फिर इजाजत चाहूंगा, अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है, तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है, तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, वाह वाह, तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और शेर फिर मैं आपको ये तोहफा कर रहा हूं कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, सुने तमाम हमारे बड़े लोग, कोई तजलील करता है तो उससे कुछ तो होता है, कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है, वाह 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 वाह, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है, तकब्बुर टूट मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर। बहुत शुक्रिया हजरात, मैंने अपना कलाम पढ़ लिया है।